अगर आप रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल को बेहद खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, न्यूजीलैंड के खिलाफ बेइज्जती का बदला लेते हुए दूसरे टेस्ट मुकाबले में भूखे शेर की तरह दहाड़े यशस्वी जायसवाल। टेस्ट को T20 बनाते हुए एक नहीं दो नहीं 10 से भी अधिक खौफनाक छक्कों की बदौलत तूफानी शतक ठोक की भी टीम की उड़ाकर रख दी धज्जियां। जी हाँ, तो आखिर कैसे यशस्वी जायसवाल ने इस बार न्यूजीलैंड का घमंड कुचलते हुए लहराया है अपना परचम। गेंदबाजों की बेरहमी से जमकर कुटाई करते हुए कैसे उन्होंने जड़ दिया इतिहास का सबसे तेज शतक। छोड़ा रोहित विराट को भी पीछे उनके ऐतिहासिक शतकीय पारी का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा और शुभमन गिल में कौन सबसे शानदार खिलाड़ी है, नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं। दोस्तों, पहले टेस्ट मैच में टीम इंडिया को धूल चटाने के बाद न्यूजीलैंड का घमंड तो आसमान छू रहा था। उन्हें लग रहा था कि दूसरे टेस्ट मैच में भी वो भारत को धूल चटा सकते हैं। ऐसे में जब महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम पुणे में इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच दूसरे टेस्ट मैच से पहले रोमांचक एक मात्र प्रैक्टिस टेस्ट मैच शुरू हुआ, तब सबको लगा था कि एक बार फिर न्यूजीलैंड का पलड़ा इस बार भारी होने वाला है। लेकिन उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि भारतीय खिलाड़ी खासतौर पर यशस्वी जायसवाल न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने बल्ले से इस कदर गदर मचाएंगे कि भारत को रौंदने का सपना सजा चुकी किवी टीम को संभालने का मौका भी नहीं देंगे। जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर इस प्रैक्टिस मैच में जब टीम इंडिया मुश्किल में नजर आ रही थी, कप्तान रोहित ने टॉस जीतकर बैटिंग करने का तो फैसला किया, लेकिन ये टीम इंडिया पर भारी पड़ा। जब 50 रन भी नहीं बने थे और हमारे चार बल्लेबाज घेर हो चुके थे, रोहित से लेकर विराट कोहली, यहाँ तक कि शुभमन गिल जैसे बड़े बड़े खिलाड़ी भी कुछ नहीं कर पाए। ऐसे में न्यूजीलैंड तो अभी से जीत का जश्न मनाने लगा था। ऐसा लगा था कि कहीं टीम इंडिया पिछले मैच की तरह 100 रनों के भीतर ही ऑल आउट ना हो जाए। तब मुश्किल की घड़ी में यशस्वी जायसवाल टीम इंडिया के लिए सबसे बड़े हीरो बनकर आए। जैसे ही इस जाबाज को बल्लेबाजी करने का मौका मिला, इस खिलाड़ी ने पीछे मुड़कर नहीं देखा, बजाय इसके उन्हें दूसरी तरफ से किसी का साथ नहीं मिल पा रहा था। ये खिलाड़ी मैदान में अकेला हो गया था, लेकिन यशस्वी तो अकेले दम पर इतिहास लिखने के इरादे से उतरे थे। आपको बता दें, पहली गेंद पर उन्होंने टीम सऊदी की बाउंसर पर मिड विकेट के ऊपर से तूफानी छक्का बटोरकर अपना खाता खोला था, लेकिन ये तो केवल तूफान के पहले की शांति थी। उसके बाद तो तबाही का मंजर इस कदर आया कि न्यूजीलैंड की रूह कांप उठी। इस खिलाड़ी ने अपने विस्फोटक अंदाज में एक के बाद एक सीधा चौके छक्कों की झड़ी लगानी शुरू कर दी और पहले पलक झपकते ही वो अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ने लगे। इसी दौरान गेंदबाजी करने आए एजाज पटेल की भी धज्जियां उड़ाते हुए उनकी लगातार दो गेंद पर दो खतरनाक छक्के यशस्वी ने ठोक दिए थे, तो वहीं तीसरी गेंद पर भी उन्होंने खूबसूरत चौका बटोरकर इस गेंदबाज की दशा दिशा बिगाड़ दी थी। ऐसा लगा था कि ये किसी भी गेंदबाज पर रहम करने के लिए तैयार नहीं है, और ऐसा ही कुछ हमें देखने को भी मिला। पलक झपकते इस खिलाड़ी ने अपनी धाकड़ बल्लेबाजी के दम पर केवल 16 गेंदों पर अपनी तूफानी अर्धशतकी पूरी कर लिया, जिसमें उन्होंने 5 खौफनाक छक्के लगाए थे। इसे देखने के बाद जहां भारतीय खेमा रोहित कोहली से लेकर हर कोई जश्न मना रहा था, तो वहीं पर पूरे न्यूजीलैंड खेमे के पसीने छूटने लगे थे। वो तो अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि इस खिलाड़ी को रोक पाना यहां से भी उनके गेंदबाजों के बस की बात नहीं हुई। टेस्ट को T20 में तब्दील कर न्यूजीलैंड की हर एक गेंदबाज को रिमांड पर लेते हुए यशस्वी जायसवाल ने मैदान पर कहर बरपा दिया था। अपना 360 अंदाज दिखाते हुए वो मैदान में हर एक कोने पर बाउंड्री लगाते जा रहे थे। उन्होंने मैट हेनरी की 155 किलोमीटर की रफ्तार वाली घातक बाउंसर पर रोहित शर्मा के अंदाज में अपने पुल शॉट से खूबसूरत छक्का लगाया कि गेंदबाज की तो आंखें फटी की फटी ही रह गई थी। कोई भी उनके उस अद्भुत छक्के पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। पूरा स्टेडियम खुशी से झूम रहा था, क्योंकि यशस्वी जायसवाल केवल 34 गेंदों पर 99 के आंकड़े तक पहुंच चुके थे। अब उन्हें अपना शतक पूरा करने के लिए केवल एक बड़े हिट की दरकार थी। पूरा स्टेडियम अपने पैरों पर खड़ा हो गया था, सभी उनके शतक का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, और इस खिलाड़ी ने भी अपने फैंस को निराश नहीं किया। गेंदबाजी करने आए विलियम और उर्क के सिर के ऊपर से खौफनाक छक्का बटोरकर यशस्वी जायसवाल ने एक नया इतिहास लिख दिया था। इस खिलाड़ी ने केवल 35 गेंदों पर 105 रनों की तूफानी पारी खेली थी। केवल इतने में ही उनका तूफान थमा नहीं, जाते जाते उन्होंने 49 गेंद पर 138 रन ठोक दिए, जिसे उन्होंने 10 खौफनाक छक्कों और 10 खतरनाक चौकों से सजाया था। उनकी अद्भुत बल्लेबाजी देखकर तो पूरा स्टेडियम खड़े होकर इस खिलाड़ी के लिए तालियां बजा रहा था। हर तरफ केवल जश्न का माहौल था, तो वहीं केवल मातम था तो न्यूजीलैंड के खेमे में उनकी अद्भुत बल्लेबाजी ने तो कीवी टीम की शामत ही ला दी थी। जहां अभी भी उनके गेंदबाजों के चेहरे पर खौफ साफ तौर पर देखा जा सकता है, जहां प्रैक्टिस में तो उन्होंने साफ तौर पर दिखा दिया कि बहुत जल्दी शुरू होने वाले दूसरे टेस्ट में न्यूजीलैंड के साथ कितना दुर्व्यवहार होने वाला है। लेकिन दोस्तों, अब आप यशस्वी जायसवाल के इस बेहतरीन पारी को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे, अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और ऐसे ही शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद। सचिन रविंद्र जैसा महान ने दूसरा कोई नहीं। न्यूजीलैंड को जीत दिलाने के बाद भारतीय कप्तान रोहित शर्मा के कदमों में गिरकर उनका आशीर्वाद लेते हुए रविंद्र ने किया ऐसा नेक काम, देख पूरी दुनिया कर रही है उन्हें सलाम। तो आखिर क्या था वो मोमेंट जब भारतीय कप्तान के पैर छूकर रविंद्र ने दिखाई महानता की मिसाल। देख रोहित से लेकर गंभीर और कोहली कैसे रह गए तंग।
उस खूबसूरत लम्हे का पूरा वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले भी रविंद्र, रोहित और कोहली के फैन हैं तो हमारे इस वीडियो को दिल से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, भारत को भारत में घुसकर न्यूजीलैंड ने जो धोया है वो पूरी दुनिया देखती रह गई है, और ये सब पॉसिबल न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों की वजह से ही नहीं बल्कि एक भारतीय की वजह से ही हो पाया है। जी हां, रचिन रविंद्र, जब से इस खिलाड़ी ने इंटरनेशनल क्रिकेट में डेब्यू किया है हर तरफ केवल उनके नाम की ही चर्चा है। यहाँ तक कि अब तो इस खिलाड़ी ने अपने दम पर वो करिश्मा कर दिया जो न्यूजीलैंड के बड़े बड़े सितारे पिछले 36 साल में नहीं कर पाए थे। उन्होंने अकेले ही इस बैंगलोर टेस्ट में शतक मारकर अपनी टीम को जीत दिलाई और पूरी दुनिया को बताया कि उनकी रगों में एक हिंदुस्तानी का ही खून है। तो केवल यही नहीं, अपनी टीम को जीत दिलाकर तो उन्होंने कप्तान रोहित शर्मा के साथ जो किया देखकर आप भी उन्हें सलाम करेंगे। जी हाँ दोस्तों, 46 पर टीम इंडिया ऑल आउट हुई थी, लेकिन जवाब में भारतीय गेंदबाजों को बेदम किया था रचिन रविंद्र ने। जब इस खिलाड़ी ने अकेले ही अपने बल्ले से 134 रन ठोक डाले थे, उसी की वजह से न्यूजीलैंड टीम इंडिया पर 356 रनों की लीड लेने में कामयाब हुई। तो अब चौथी पारी में भी बिगड़ती हुई न्यूजीलैंड को रचिन रविंद्र ने संभाला बिलियन के साथ मिलकर मैच विनिंग पार्टनरशिप की, और अंत तक नाबाद रहते हुए 6 खतरनाक चौकों की बदौलत टेस्ट को T20 बनाते हुए 39 रन बना डाले। अब इतना दमदार प्रदर्शन कोई करेगा तो उसकी तारीफ तो बनती ही है। जी हां दोस्तों, इसी के दम पर न्यूजीलैंड भारत को 36 साल बाद हरा पाई है, टेस्ट सीरीज में 1-0 से लीड ले पाई है। ऐसे में रचिन रविंद्र को भी उनकी मेहनत का इनाम मिला है। जी हाँ, उन्हें मैन ऑफ द मैच का खिताब दिया गया, वो भी उनके बचपन के घर चिन्नास्वामी स्टेडियम में जो उन्हें बहुत प्रिय है। तभी अवार्ड पाने के बाद वो बेहद भावुक हो गए, लेकिन जब रोहित शर्मा उन्हें बधाई देने के लिए आए तब इस खिलाड़ी ने तो कप्तान रोहित के स्वागत में उनसे हाथ मिलाने की जगह सीधा झुककर उनके पैर छू लिए। ये लम्हा देखकर तो वहां मौजूद कोहली, गंभीर, हर कोई दंग रह गया था। खुद रोहित भी डर के मारे पीछे उछल गए थे, क्योंकि किसी ने नहीं सोचा था कि भारतीय परंपरा का इतना अद्भुत नमूना दिखाते हुए ये भारतीय शेर रोहित के पैरों में गिर जाएगा। फिर रोहित ने इन्हें उठाया, उन्हें सीने से लगाया, उनकी पीठ थपथपाई और उन्हें शाबाशी देते हुए काफी लंबे समय तक उनसे चर्चा करते रहे। यहाँ तक कि रोहित ने तो उन्हें दोबारा ऐसा करने से मना भी किया था, लेकिन रविंद्र ने सच में अपने गुरु रोहित शर्मा के चरण छूकर तो महानता जो दिखाई है उसने सबका दिल जीत लिया। जहाँ अब ये मोमेंट तो आग की तरह वायरल हो रहा है और लोग उसे खूब पसंद कर रहे हैं। तो दोस्तों, रविंद्र की इस महानता पर आप क्या कहना चाहेंगे, अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसे ही शानदार खबरें सबसे पहले जानने के लिए हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।